बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद, मैं हूँ हैदर हयात खान। 2024 के आम इंतखाबात काफ़ी एंगल्स से अगर हम इनको एक्सप्लोर करें तो बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हैं, क्योंकि जो लोग इलेक्शन डे पर फातह करार पाए उनमें से दर्जन भर लोग आज तक अपनी वो नशस्तें खो चुके हैं और उन नशस्तों पर उनके पोलिटिकल ओपोनेंट्स या कह लें कि जो आज के हुक्मरान जमात है उनके लोग कामयाब होते जा रहे हैं। एक ऐसा ही रीकाउंट आज भी हुआ और आज के इस रीकाउंट के नतीजे में पीपी 133 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मियां आतिफ साहब, जो पहले आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जिन्होंने कंटेस्ट किया था, पहले भी 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हल्के से कामयाब हो चुके हैं, वो जो जनरल इलेक्शन के रिजल्ट हैं उनके मुताबिक कामयाब करार पाए थे, लेकिन अब रीकाउंट के बाद वो इलेक्शन हार गए हैं और उनके इस हलके में पीपी 133 में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना मोहम्मद अरशद साहब कामयाब करार पाए हैं। मैं पहले 2024 के जो एक्चुअल रिजल्ट्स थे, जो इशू हुए, मैं पहले वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो शेयर करता हूँ। इनके मुताबिक मियाँ आतिफ साहब ने 45,637 वोट्स लिए थे और राना मोहम्मद अरशद साहब ने 42,080 वोट्स लिए थे, यानी तकरीबन 3,500 वोट्स की बढ़तरी थी मियाँ आतिफ साहब की। लेकिन अब जो रीकाउंट हुआ है उसके बाद मियाँ आतिफ साहब के वोट्स 45,637 से कम होकर 41,632 हो गए और राना मोहम्मद अरशद साहब के वोट 42,080 से बढ़कर 44,323 हो गए हैं और अब तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 3,500 वोट्स की बढ़तरी के साथ राना मोहम्मद अरशद साहब जो है वो इस हल्के में कामयाब करार दे दिए गए हैं। इसी को डिस्कस करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ आतिफ साहब जो पहले इस हल्के से कामयाब करार पाए थे। आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आतिफ भाई, क्या बना पहले 45,637 वोट्स और अब 41,632 वोट्स, आपके ये तकरीबन 4,000 वोट्स कहाँ पे चले गए? कोई बिल्ली खा गई, चूहा कुतर गया? नहीं जी, ये जो है ना हमारे वोट जो है ना 4-5 हजार, ये चूहा नहीं खा गया ना बिल्ली खा गई है, ये आरओ हमारा खा गया है जी। मिली बगस से उस बंदे ने मेरे और मेरी मिसेज के जो थे ना कवरिंग कैंडिडेट के कागज थे मेरी मिसेज के। अच्छा जी। तो मेरे जब मुझे फॉर्म 45 सारे मेरे पास थे, 164 के 164, और उसके बाद मेरे पास फॉर्म 46 थे, फॉर्म 47 था, फॉर्म 49 था मेरे 6,637 वोटों का जी। उसके बाद जब इस बंदे ने 14 तारीख को, 14 फरवरी को इसने किए, मेरे ओपोनेंट ने एक इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी है, रिट की है, तो उसके बाद फैसला महफूज हुआ है जी। 12 मार्च को फैसला किया है इन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने, और इन्होंने रीकाउंट का जो है ना वो ऑर्डर दे दिया है, और विद इन थ्री डेज में एक दिन ये लोग अपना सारा बेल्ट पेपर ये वो सारा कुछ लेके लाहौर से स्ट्रॉन्ग रूम से शाहकोट आए, आर ऑफिस, कैंप ऑफिस, और उसके बाद इन्होंने हमें कहा जी हम बड़ा ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और वाकई उन्होंने बड़ी ही बेईमानी के साथ फोन काम किया, क्योंकि मेरे जितने भी वोट थे जहां जहां से मैं लीड से जीत रहा था, 400-500 वोट की लीड से, तो वहां से मेरे वोट चुराए भी गए, बेल्ट पेपर ही नहीं है। अच्छा। तो 571 हैं अगर एक पोलिंग स्टेशन पे मेरे वोट पिछले 45 फॉर्म के मुताबिक, सही, तो वहाँ पे मेरे वोट आ गए हैं जी 300 कुछ, ठीक है जी, और राणा साहब के जहाँ पे 190 थे वहाँ पे उनके 500 कुछ हो गए। अच्छा। तीन बेल्ट बॉक्सेस जो हैं वो थैले जो हैं वो लाहौर स्ट्रॉन्ग रूम से कहते हैं जी कि गायब हो गए आरओ साहब ने कहा। अच्छा। ना उसकी कोई जस्टिफिकेशन दी, हम सारी रात तड़पते रहे, उससे पूछते रहे कि भाई वो तीन थैले कहाँ गए, लेकिन उसने कहा जी नहीं वो तीन थैले मिले नहीं है, मिसिंग है, हालांकि वो 100% जो है वो आरओ की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे 14 पोलिंग स्टेशन के जो थैले थे उनकी सील्स जो है मेरे पास, उसके प्रूफ मौजूद हैं, उनकी सील्स डी सील करके नई सीलें लगाई हुई थी, उसकी जस्टिफिकेशन मांगी आरओ साहब से, तो हमें झाड़ दिया, पुलिस को बुला लिया, डीएसपी वहां था, कोई तकरीबन 5 थानों की पुलिस वहां पे मौजूद थी। अच्छा। ना किसी साफी को अंदर जाने दिया, अभी साफियों का एहतजाज भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, वो सारे इस बात पे बड़े परेशान है, सही, बल्कि पशेमान है कि जी हमें ही नहीं अगर जाने देना, तो आरओ साहब ने कहा जी कि यहाँ पे सिर्फ वो बंदा आ सकता है जिसके पास ईसीपी का कार्ड होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें जी उन्होंने बैठा दिया, हम
तो हमारे वोट जो है वो एक तो डबल स्टैंप हुई है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन ये कोर्ट में खुल जाएगा ये बेल्ट पेपर जो डबलिंग हुई है स्टैंप की, तो अंधा बंदा भी बता देगा कि ये स्टैंप और है, ये स्टैंप और है, ये सही और है, वो सही और है। अच्छा, तो हाँ जी बिल्कुल 100% श्योर शॉट। और जब उनसे पूछा कि जी इनके साइज क्यों अलग है, कहते जी हर पोलिंग स्टेशन पे आरओ साहब फरमा रहे हैं कि दो दो तीन तीन स्टैंप्स होती हैं। अच्छा। लेकिन हर पोलिंग स्टेशन जो 114 पोलिंग स्टेशन जहाँ पे डबलिंग की गई है वहाँ पे हैदर भाई हर बंदे के पास दो दो स्टैंपें देती हैं, देते हैं हम लोग हर वोटर को कि जी जाए ये स्टैंप दो लगा दें, आतिफ को अलग लगाएं और उसकी मिसेज के जो निशान है उसको अलग लगाएं। सही, ये इंशाल्लाह ताला कोर्ट में जरूर प्रूफ होगा अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा अच्छा, मुझे आतिफ भाई, आतिफ भाई बताइएगा, आपने कहा तीन थैले गायब हैं, उन तीन थैलों में कितने पोलिंग स्टेशन के वोट्स थे जो नहीं काउंट हो सके? हर थैले में एक पोलिंग स्टेशन होता है सर। अच्छा जी, इसका मतलब है कि तीन पोलिंग स्टेशन ऐसे रहे जिनके वोट्स काउंट ही नहीं हो सके। उन्होंने किया ये है, नहीं नहीं काउंट ही नहीं हो सके ना। हाँ, उन्होंने किया ये है कि वो उसके बेल्ट पेपर निकाल के, खैर आतिफ साहब से हमारा रابطہ जो है वो मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा रابطہ करने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। पीपी 133 ये हल्का है ननकाना साहब का, जहां से पहले कामयाब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राणा मोहम्मद अरशद साहब और सॉरी मियाँ मोहम्मद आतिफ साहब आज़ाद हैसियत में, और अब रीकाउंट के अंदर ये नशस्त एक मरतबा फिर पाकिस्तान ये राणा मोहम्मद अरशद साहब को मिल चुकी है। आतिफ साहब एक मतलब फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आतिफ भाई, आप बता रहे थे कि तीन पोलिंग स्टेशन के जो थैले हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे। नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। आतिफ साहब मुझे सुन पा, अच्छा अच्छा आतिफ साहब ये बताइएगा कि ये जो आरओ साहब थे ये वही आरओ साहब थे जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया था? बिल्कुल सेम सेम सेम, वही ज़ोहेब शफीज का नाम है जी आरओ का, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है शाहकोट तहसील के। अच्छा जी, तो उन्होंने ही फॉर्म 45 हमें दिए सारे प्रेसिडेंट से लेके, उसके बाद इन्होंने हमें 46 दिए, इन्होंने 47 साइन किया। उस वक्त ये अंधे थे या कोई इनको मसला बना हुआ था, इसलिए इन्होंने वो 47 भी दे दिया, 49 भी दे दिया, और मेरा जो नोटिफिकेशन के लिए एक सी फॉर्म होता है वो भी इन्होंने जमा करवाया, वापस भेजा इलेक्शन कमीशन को। नहीं तो आपने इनसे पूछा नहीं कि जनाब उस दिन आपकी आंखें काम नहीं कर रही थी, उस दिन बोलने ही नहीं किसी को दे रहे थे, दो एक दिन तकरीबन दो दिन और एक रात हम लोग वहां पे बैठे हैं काउंटिंग के लिए, तो उन्होंने किसी बंदे को बोलने ही नहीं दिया। जो नून लीग कैंडिडेट कहते थे इस बंदे को बाहर निकाल दें, इसको अंदर कर लें, इसको बाहर निकाल दें, हमारे यकीन करें कि हमारे सरों पे ऐसे पुलिस खड़ी थी जैसे हमने कोई दहशतगर्दी कर ली है, कोई 788A का मुकदमा हम पे हो गया, इतनी पुलिस थी हमारे पास जो जहाँ पे कैंप ऑफिस था। अच्छा मुझे मैं कुछ और एंगल्स भी डिस्कस करूंगा आते भी आपके साथ, पहले बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस के दौरान आपके जो सियासी हरीफ हैं राणा अरशद साहब, यकीनी तौर पर वो भी आपके साथ मौजूद होंगे, उनका रवैया क्या था इस सारे प्रोसेस के अंदर? सर उनका रवैया वो था कि वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, कोई बात नहीं कर रहे थे, बस जब हम कहते थे ना ये वोट कहाँ गया जी, 571 थे इस पोलिंग स्टेशन में, तो इसमें 290 या 390 कैसे निकल आए, एक एक वो हर प्रिजाइडिंग उस पे सिग्नेचर और स्टैंप लगाता है कि जी इतने वोट फलां बंदे के हैं, वो अलग लफाफे में पैक होते हैं हर कैंडिडेट के, तो वो आरओ साहब कहते थे जी नहीं ये मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ रिकाउंटिंग करनी है, जितने वोट है मैं उसकी रिकाउंटिंग कर दूंगा। अच्छा, तो उस वक्त राणा साहब जो है वो हाइपर होते थे, हमारे साथ बदतमीजी भी करते थे, कभी हमें बाहर निकाल देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है तो हर बंदा पुलिस जो है आरओ जो है वो सारे हाँ हर बंदा जो हमारे खिलाफ था और हमारे सामने ऐसे भाकर के खड़ा हो जाता था। सही। तो ये तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है जी, मेरे साथ भी हो गया, इंशाल्लाह ताला हम हक सच के साथ हैं और जो कैदी नंबर 804 है इंशाल्लाह उसके साथ ही रहेंगे। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि जब ये रिकाउंट मुकम्मल हो गया उसके बाद आपकी गुराना साहब से गुफ्तगु हुई? नहीं जी। अच्छा, क्योंकि वो माशाल्लाह पहले ही मैं पिछली दफा भी 2018 से 23 तक भी मैं एमपीए रहा हूं और इन्हीं से विन किया था मैंने राणा अरशद साहब से। जी जी।
तो वो तो बस क्या कहते हैं कि जातियात पे उतर आते हैं, इसलिए उसे कभी है आज ही हुई है ना कल हुई थी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप चूंकि राणा साहब को इलेक्शन जो है वो रिकाउंट के अंदर अब जीत गए हैं, 44,323 वोट्स और आपके 41,632 वोट्स हैं, अगला आप लोग क्या को हाई कोर्ट पे जाएंगे इस हवाले से? हम इंशाल्लाह जी अपनी अदलिया पे इतमाद करके उनके पास जाएंगे और उम्मीद रखते हैं अल्लाह के घर में कि इंशाल्लाह ताला हक की फतह होगी। अच्छा, आप चूंकि आते भी पहले भी मेंबर रह चुके हैं पंजाब असेंबली के, आप क्या समझते हैं इस सारे प्रोसेस का नतीजा क्या निकल रहा है यहाँ पर? या तो ज्यादती आपके साथ हुई है, या ज्यादती इसका मतलब है कि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून के साथ हुई थी, क्योंकि आरोज तो वही है, नतायज तब्दील होते जा रहे हैं, तो असल 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 कसूरवार कौन है? मौजूद है राणा साहब की अपने डेरे पे, ये अपने लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 9 फरवरी को जब हमें 49 फॉर्म मिला कि जी मैं मुझे 42,000 वोट पड़े हैं, मैं 42,000 लोगों का बहुत मशकूर हूँ, पूरे हल्के का मशकूर हूँ, मैं लूज कर गया हूँ इलेक्शन, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला खिदमत का सफर जो है वो जारी रखूंगा। वो मेरे पास मौजूद है इनकी वीडियो, बल्कि इनकी फेसबुक पे भी चल रही है। जी वो मैं देख चुका हूँ उनकी वो वीडियो। जी बिल्कुल, तो एक बंदा इतराफ कर लेता है कि जी मैं लूज कर गया हूँ, तो मेरा ख्याल है 1 लाख की इकदार भी कोई चीज होती है, तो बंदे को दिल बड़ा करना चाहिए, जरा बड़ा करना चाहिए, पैसे और दोस्त दांधली के ऊपर ना असर पे नहीं आना चाहिए। लोगों ने आपको नहीं पसंद किया तो आप बिल्कुल ज्यादा मेहनत करें, आप इलेक्शन लड़ के आए, खेल के जीते, कोई इशू नहीं है। ऐसे किसी का मैंडेट चोरी करना, मुझे 45,000 लोगों ने वोट दिया है मेरे प्यार में, हमारे लीडर के प्यार में, तो मेरा ख्याल है ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। अच्छा, आते में ये भी बताइएगा, मैं वो एंगल एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर बहस होती है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वो लोग जो समझते हैं कि हम जीते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में धांधली हुई है और उनको जितवाया गया और पैसे का बड़ा बेदरेक इस्तेमाल हुआ है इन इलेक्शंस के अंदर। सिमिलरली जो पीटीआई के लोग हैं वो समझते हैं हमारे साथ जाती हुई है और वो कहते हैं कि हुकूमत के हक में मशीनरी ने भरपूर तरीके से काम किया है। पहले तो आप ये कह सकते हैं दिल पर हाथ रख के कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो फौरी तौर पर नतीजे आया 9 फरवरी को, उसमें किसी तरह की कोई पैसे के हवाले से आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वो फ्री एंड फेयर था? हैदर भाई, मैं बिल्कुल अपने अल्लाह को हाजिर नजर जान के, अपने दिल पे हाथ रख के, आंख में आंख डाल के ये बात करना करूंगा, कर सकता हूँ और करूंगा भी इंशाल्लाह ताला, कि ना मैं एक ईमानदार बंदा हूँ, मुझे करप्शन नहीं करनी आती, ना मेरा कोई सियासत से तल्लक था, मैं तो जस्ट एक नजरिए पे सियासत में आया अपने इलाका के लिए, अपने मुल्क के लिए, और मुझे नजरिया अच्छा लगा कि कैदी नंबर 804 जो है वो उसका नजरिया अच्छा है, मैं उसकी वजह से सियासत में आया, और मैं मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं ही जीत जाता दोबारा। फिर मेरे साथ लोगों ने प्यार किया है, नजरिए के साथ प्यार किया है, तो पैसा जिन लोगों ने दिया है वो साफ नजर आ रहा था कि हमारे 14 पोलिंग स्टेशन जो है वो 14 और 3 जो मिस हो गए, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला, मैं पूरी उम्मीद हूँ अपनी अदलिया से। अच्छा, और आखिर में बताएगा आते भी, क्या आपको 9 फरवरी के बाद से लेकर ये जो रिकाउंटिंग का फैसला आया, इस पैच में किसी ने कोई रब्ता किया कि आप अपनी हमदर्दियां मुस्लिम लीग नून के खाते में डाल दें, उनके साथ मिल जाएं तो आपका इलेक्शन बच सकता है? जी बिल्कुल, आपको पता ही है, एक बात रह गई है, मैं वो कहने लगा था, आपने क्वेश्चन दूसरा कर लिया कि आपको पता है कि निगरान बोर्ड किसकी थी, जो आज वजीर दाखला भी बन गए हैं, सेनेटर भी बन गए, विला मुकाबला फिर वो पीसीबी के चेयरमैन भी बन गए, इतनी अनायत पीटीआई के बंदे पे तो नहीं हो सकती थी ना जी, ये तो जाती बंदे पे हो सकती है जो कि इन्होंने की है। तो बाकी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको इंशाल्लाह ताला सारा कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करे, हमें उम्मीद है कि हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, और इस चीज इन चीजों से जो है ना ये कोई मुल्क इंसानों के रहने वाला बनेगा इंशाल्लाह ताला। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, हल्का पी पी 133, और हमने काफ़ी मरतबा रब्ता करने की कोशिश की है राणा मोहम्मद अरशद साहब को, जो पहले इस हल्के में इलेक्शन लूज कर गए थे और अब रिकाउंट के नतीजे में इलेक्शन जीते हैं। प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है, जो सवालात हमने आतिफ साहब से किए यही सवालात हम राणा मोहम्मद अरशद साहब के सामने भी रखेंगे, अगर वो चाहें
कि वो हमारे प्रोग्राम में जो है वो अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए हाजिर। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।